छात्रों आज का जो पाठ है वो बृहज जातकम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो है वो सप्तदश पाठ है सत्रहवा पाठ है और इसके जो विषय हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं आज के परिवेश के लिए कर्मा जीविका चिंतन एवं राजयोग का विचार वस्तुतः कर्म और आजीविका का चिंतन करने से करना चाहिए आजीविका का निर्धारण किस प्रकार का हो आचार्य बराहम की परिकल्पना पांचवीं शताब्दी में कितनी विस्तृत थी आप देखेंगे तो लगेगा कि यह व्यक्ति किसके माध्यम से धनार्जन करेगा साथ ही क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ की बड़ी प्रधानता है और वह अर्थोपार्जन का सहायक क्या होगा उसके जीवन में तो वह आजीविका के संसाधन के निर्धारण भी ज्योतिष के द्वारा किया करने की परंपरा है आज की परिभाषा में कैरियर काउंसलिंग भी कह का सकते हैं क्योंकि जिस विद्या को हम पढ़ते हैं तदनुरूप तो ही हम कार्य भी करते हैं हम लोग जैसा कि बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो प्राचीन परंपराओं के संरक्षण के साथ ही नूतन जो आज के परिवेश की आजीविका है उससे भी संदर्भित करवाते हैं बहुत सारे उदाहरण भी हम बच्चों को समझाते हैं कि आज प्राचीन जो पारंपरिक विषय हैं उनका अंतर्भाव या समन्वय आधुनिक में किस प्रकार से कर सकते हैं अथवा आधुनिक जो आजीविकाएं हैं उनको प्राचीन शास्त्रोक्त परंपराओं में कैसे सन्निवेशित कर सकते हैं ये एक परंपरा है और इसके द्वारा ग्रह जोगों के माध्यम से हम आजीविका का ज्ञान करते हैं साथ ही राज्योग जो, जो बड़ा ही व्यापक है चार ग्रहों से दो ग्रहों से तीन ग्रहों से एक ग्रहों से इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं आपके समक्ष की जाएगी कि राजयोग जो है वस्तुरा राजन पद उपलक्षण से लिया जाता है कि जो राजा होगा वह किस प्रकार का होगा कैसा होगा और उसका क्या फल होगा और कैसे वह राजयोग होगा महामंडली होगा छोटा राज्य का होगा बड़े क्षेत्र का होगा तमाम इस तरह के ग्रह योगों को इसमें बताया जाएगा देखें आप इस पाठ के उद्देश्य के बारे में क्या उद्देश्य है तो मित्रों भित, अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी कि आजीविका प्राप्ति में यह पाठ आपको सहयोग करेगा और इस सहयोग के विषय में जान सकेंगे साथ ही सूर्यादि ग्रहों की से कौन कौन से वृत्ति संबंधित है किसके द्वारा धनार्जन होगा किसके द्वारा हमें लाभ होगा इसका ज्ञान हो सकेगा साथ ही आजीविका निर्धारण में कौन से भाव हैं जिनकी प्रमुख भूमिका है उन भावों का भी ज्ञान इसके माध्यम से हो जाएगा और राज योगों का निर्माण किन ग्रह योगों से होता है कितने प्रकार हैं कैसी स्थितियां हैं इसका भी ज्ञान इस पाठ के माध्यम से होगा अब पाठ की मौलिकता को हम देखें कि अर्थाप्ति और वृत्त निर्धारण के लिए सबसे पहले आचार्य बराह क्या कहते हैं आचार्य यहां पर बताते हैं आप देखें क्या कहते हैं कि अर्थाप्ति ही पित्री जननी सपत नमित्र भ्रातृ स्त्री भृतक जना दिवा कराद्युर्दशत विकल्प निया भेन्दारकस्पदपतिगम सनाथ वृत्या ये बड़ा प्रमुख श्लोक है कि इसका निर्धारण कैसे करें सबसे पहले जब जातक की कुंडली हमारे आती है तो हम इसका विचार लग्न और चंद्रमा के से दसम स्थान में गत सूर्यादि ग्रहों से पिता माता शत्रु और मित्र भ्राता स्त्री नौकर आदि के द्वारा धन प्राप्ति की बात करते हैं अर्थात लग्न से अथवा चंद्रमा से दसम स्थान में सूर्य हो तो पिता से के पक्ष से धन की प्राप्ति पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करता है इसी प्रकार पिता की भूमिका भी निर्वहन करता है तथा इस प्रकार यदि चंद्रमा वहां पे कारण हो गया तो माता के द्वारा तो लग्न चंद्र सूर्य इन तीनों से दसमेश ग्रह जिस स्थान में या ग्रह के नौमांश में हो उस ग्रह की जो वृत्ति होती है वही जातक की वृत्ति होती है अतः इन तीनों में जो बलवान हो जो दसमेश हो उससे जो दशमेश हो उस ग्रह वह ग्रह जिस ग्रह के नौमांश में हो उसी के अनुसार आजीविका का निर्धारण करना चाहिए ये आचार्य काश है आप देखें अर्थ प्राप्ति एवं वृत्त निर्धारण की कल्पित लग्न नवमांश चक्र ये कुंडली के माध्यम से आप समझ जाएंगे गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और धनु राशि मंगल को देख रहा है चंद्रमा पंचम में है शनि तृतीय भाव में सूर्य तुला का होकर के एकादश भाव में दशम में बुध और नवम भाव में शुक्र है इसी प्रकार नवांश कुंडली में भी सूर्य लग्न में विद्यमान है चंद्रमा बुध सप्तम में है शनि तृतीय में है और गुरु नवम में है ये स्थिति ग्रही है अब देखिए इसका उदाहरण का समीक्षा करते हैं इसमें देखिए कुंडली में लग्न से दसम स्थान में बुध है अतः जातक पिता के पक्ष से धन प्राप्त करेगा आजीविका प्राप्ति में मित्र पक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे पुनः चंद्र से दसम स्थान में शनि है अतः जातक नौकर पक्ष से धन की प्राप्ति करेगा अब ये जो कल्पित चक्र है इसमें लग्न सूर्य और चंद्र इन तीनों में चंद्रमा सर्वाधिक बलवान है अतः इसके अनुसार इससे दशमेश ग्रह शनि हुआ अब शनि बुद्ध के नवमांस मिथुन में है अतः जातक बुद्ध की बुध जन्य या बुद्ध के गुण गुणों से संयुक्त वृत्ति से आजीविका करेगा ये एक निर्धारित हुआ इसी प्रकार की परंपरा के द्वारा आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि किस ग्रह का कारक हुआ और कौन सा हमारा पक्ष हुआ जिससे धन हमें अर्जित करेंगे वृत्ति मिलेगी और तदनुरूप ही हमें इसका ज्ञान करना चाहिए मित्रों अब पृथक पृथक बता दिया कि यदि सूर्य ग्रह कारक हो वृत्ति में तो आप क्या करें कौन सा काम करेगा किस विषयों से उसका संदर्भ होगा इस विषय में आचार्य कह रहे हैं आप देखें इसमें एक ही श्लोक के माध्यम से चार ग्रहों की परिकल्पना की गई है कहा क्या कि अर् तृण ही चंद्रांश कृषि जलजांगनाश्रयाचाग्नि प्रहरण साहस ही कूजांश लिपि गणितादि काव्य शिल्प ही अर्थात सूर्य चंद्र मंगल और बुध इतने लोगों से संदर्भित देखें आप दशमेश ग्रह यदि सूर्य के नवमांश में यानी सिंह राशि के नवमांश में हो तो जातक क्या करता है तृण से सो तृण मतलब जो घास पात होते हैं सोना से उन उन उर्ण से औषधियों के पक्ष से वृत्ति प्राप्त करता है चंद्रमा के नौमांस में दशमेश हो गए तो कृषि करता है जल संबंधित काम कन्या के आश्रय से आजीविका लेता है और यदि मंगल हो गए दशमेश तो जातक धातु से अग्नि से अग्नि के प्रहरण से अग्नि के ताप से साहस से आजीविका प्राप्त करता है इसी प्रकार यदि बुद्ध के नवमांस में यदि दशमेश हो तो जातक क्या करता है लेखन से गणित से काव्य शिल्प आदि के द्वारा आजीविका की प्राप्ति करता है अब आगे बुद्ध मंगल बुद्ध तक की हमने चर्चा कर दी अब गुरु शुक्र और शनि के द्वारा आचार्य कहते हैं क्या कि इनका क्या क्या विषय होगा तो कह रहे हैं कि जीवांश से द्विज विबुध करादि धर्म ही काव्यांशे मणि रजतादि गो महिष्य सौरांश्रम बध भार नीच शिले साध्यु न कर्म सिद्धि ये आचार्य यहाँ पे कहते हैं से अर्थात बृहस्पति से क्या होगा तो ब्राह्मण देवता का आराधना खान पान धर्म के मार्ग आजीविका इसका निर्धारण करेगा इससे दशमेश ग्रह यदि शुक्र हो गया शुक्र के नवमांश में है तो क्या करेगा मड़ी से चांदी से सोना से गाय भैंस चतुष्पद वाहनों के माध्यम से आजीविका प्राप्त रहेगा और दसमें ग्रह यदि शनि के नवमांश में हो तो क्या करेगा परिश्रम बहुत परिश्रम करता है भार ढोना नीच कर्म कर्मा शिल्प कारीगरी आदि के द्वारा धन की प्राप्ति करता है और दसम भाव का स्वामी जिस ग्रह के नवमांश में हो उस ग्रह की कथित वृत्ति को ही जातक को बताना चाहिए ये बहुत स्पष्टता निर्देश है देखें आप आजीविका का एक चक्र आपको ग्रहों से संदर्भित वृत्ति चक्र कैसे क्या क्या किस विषय से संदर्भित है ऐसा करने से आप इनको देख सकते हैं इनके चित्रों के माध्यम से भी कि सूर्य किस किन धातुओं का किन किन विषयों का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा मंगल बुद्ध गुरु शुक्र और शनि क्रमशः इनकी वृत्तियाँ क्या हो सकती हैं अब आइए मित्र के द्वारा धमनागम होगा कि नहीं इसकी क्या परंपरा है अब धनार्जन प्रसंग में आचार्य यहां क्या कहते हैं देखें कि मित्रारी स्वगृह ग्रहत्थम तुंगठे बल नीच भास्करे स्वीरजात आयस्थ उदय सौम्य ही संचित्यम बल सहित अनेक धासव आचार्य यहां पे क्या कहते हैं क्या कि दसमीश ग्रह जिसके नौमांश में उससे वृत्ति तो होती है किंतु दसमीश यदि मित्र घर में हो जातक के सहयोग पा रहा हो उच्च का हो उल त्रिकोण का हो तो अथवा शत्रु के राशि में हो तो किससे मिलता है शत्रु से सहयोग मित्र और उच्च का हुआ तो मित्रों से मिला स्वगृह में है तो अपना स्वयं का जातक इससे अपनी वृत्ति को प्राप्त करता है यदि सूर्य उच्चस्त हो गया तो जातक क्या करता है अपने पराक्रम से अपनी वृत्ति की प्राप्ति करता है लग्न द्वितीय एकादश भाव से यदि बलवान शुभग्रह हो तो जातक कई प्रकार की आजीविका करता है उसे धन की प्राप्ति कराता है देखें आप ये एक दशमेश नौमान से मित्रादि द्वारा व्रत निर्धारण कैसे करता है ये दिखाया गया अब आपके समक्ष रखें कि जमनाचार्य ने एवं जीव शर्मा के अनुसार राजयोग वस्तुता राज तो एक परिचय दे दे तुल्य जोग जो है अर्थात राजतुल्य सुख उपभोग वस्तु तो की सामग्री की प्राप्ति जस मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति इसी को आचार्य ने राज्यों की संज्ञा दी है अब यहाँ आचार्य क्या कहते हैं देखें कि प्राहुर्जवना शतुंग क्रूर ही क्रूर महिर मतिर महिपति क्रूर स्तुन जीव शर्मण पक्षे छित्यधिप प्रजा आचार्य यहाँ पे क्या कहते हैं कि वस्तुतः तीन पाप ग्रहों से होने पर जातक पाप बुद्धि वाला होता है ऐसा जवन आचार्य का मत है जीव शर्मा कहते हैं कि तीन पापग्रह यदि ऊंचगत हो गए तो जातक राजा नहीं होता अपितु क्या होता है राजा के सदृश होता है ये एक जोग यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य राजयोगों के प्रसंग में बहुत सारी बातों को करते हैं हम बत्तीस प्रकार के राजयोग एक श्लोक से आचार्य बना रहे हैं कहते हैं क्या पूर्वार्ध से सोलह और उत्तरार्ध के श्लोक से सोलह प्रकार के राजयोग बनते हैं जैसा कि आचार्य कहते हैं ये राजयोग कारक जो ग्रह स्थिति है वो कैसी होती है देखें आप कहते हैं कि बकरार्क जार्क गुरु भी सकल स्त्रिभिश्च सोच्चे दश नृपा कथिताई का लग्ने द्वेका श्रते सुचतथई कतमे बिलगने लग्ने स्वत्र गे शशि निषोडस भूमि का इस प्रकार से बत्तीस प्रकार के राजयोगों को के निर्माण की प्रक्रिया को आचार्य बताते क्या कहते हैं कहते हैं कि सूर्य मंगल गुरु शनि ये चारों सोच आदि अपने राशिस्त होकर के चार प्रकार के ग्रह राजयोगों का निर्माण करते हैं जैसा कि उदाहरण में हम आपको अभी दिखाएंगे अब देखें इनमें क्रमशः तीन यदि सोचगत हो गए तो बारह प्रकार के हो गए राजयोग हो गया इसका भी उदाहरण आपके समक्ष रखेंगे पुनः कोई दो ग्रह उच्चगत हो गया और चंद्रस्वराशिष कर्क में हो तो फिर बारह प्रकार का राजयोग निर्मित होता है पुनः इनमें से कोई ग्रह ऊंच केंद्रगत हो तथा चंद्र स्वराशिगत कर्क हो तो फिर चार प्रकार का होता है इस प्रकार के योग बारह आचार सोलह प्रकार के सब मिलाकर के सोलह प्रकार के पूर्वार्ध से और सोलह प्रकार के परार्ध से कुल बत्तीस प्रकार के राजयोग की परिकल्पना आचार्य ने यहाँ की है जैसा कि देखें आप चक्र के माध्यम से आपके समक्ष सारी राजयोग के जो ग्रह योग हैं कारक स्थितियां हैं वो सारी दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से किस किस योग में कौन कौन से ग्रह स्थिति होगी और उसमें कैसा उसका फल शुभा शुभ होगा ये क्रमशः बत्तीस जो हमारे योग हैं बत्तीसों प्रकार के योग को यहाँ बताया गया है और उससे आप इसके फलादेश का ज्ञान कर सकते मित्रों एक और प्रसंग है आचार्य यहाँ कहते हैं क्या कि केवल यही नहीं चौवालीस प्रकार के भी राजयोग होते हैं एक श्लोक के माध्यम से आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो चौ चो, चौवालीस प्रकार के राजयोग हैं वो कैसे बनते हैं ग्रहस्थितियां कैसे होती हैं तो वहां कहते हैं क्या कि बर्गो तम गति लगने चंद्रे वा चंद्र वर्गित ही चतुराध्य ग्रह दृष्टि नृपा द्वांशति स्मृता बाईस प्रकार के राजयोग बनते हैं जो परिवर्तित करके चौवालीस प्रकार के राजयोग होते हैं क्या कहते हैं कि वर्गोत्तम में लग्न हो और उसको अन्य चार पांच छ ग्रह देख रहे हो तो बाईस प्रकार के राजयोग बनते पुनः इसी प्रकार बर्गोत्तम स्थान में चंद्र हो और उसको अन्य चार पांच छह ग्रह देखते हो तो पुनः बाईस प्रकार का बन जाएगा सब में ला करके प्रकार का राजयोग यहाँ निष्पन्न होता है और इसकी कुंडली आपके समक्ष है आप देख सकते हैं इतनी विस्तृत परिमाण की हमारी ज्योतिषीय व्यवस्था है कि एक श्लोक के माध्यम से इतने बड़े बड़े योगों को समाहित कराचार्यों ने बताया है जिसका जिसका राज्योग में उपयोग बहुत होता है ये वस्तुतः तो अन्वेषण शोध के माध्यम से और प्रायोगिक तौर पे कि किस प्रकार के राज्यों का क्या फल होगा इसे अंतर्निहित करना चाहिए जैसे कि आजकल मंत्रियों मंत्रियों जो सचिव हैं जो इस तरह के वृहद स्तर के लोग हैं इनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं ये योग विद्यमान रहते अतः उन्हें राजतुल्य कष्ट राजा जैसी मर्यादा को प्रदान करते हैं हम लोगों को पूर्वक ऐसी कुंडलियों का अन्वेषण करना चाहिए आज यहीं विराम लेते हैं पुनः अगले दिन मिलते हैं धन्यवाद